Hello, my dear students. A very good evening to all of you. So now, today we will continue the rest of worksheet number 3, adjectives. First, we will understand the type of adjectives. Then we'll continue this video. Adjective. Adjectives are those words which describe the nouns or pronouns. Adjectives वो words हैं जो nouns को और pronouns को describe करते हैं. और एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन. एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन के मीनिंग को एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है. फॉर एग्जाम्पल, गुड, ब्लैक, मैनी, फ्यू, बिग, ब्रेव, एक्सेट्रा. चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज हम नाउन लेते हैं कार और उसके साथ वर्ड ज्वाइन करते हैं ब्लैक. तो हमें ब्लैक वर्ड बता रहा है कि कार का कलर कैसा है, ब्लैक. सो ब्लैक इज एन एडजेक्टिव जो कार को, एक नाउन को, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है. तो हम सेंटेंस में बोल सकते हैं, देयर इज अ ब्लैक कार. So black is an adjective. Good boy, लड़का कैसा है, boy कैसा है, good है, अच्छा है. So good is an adjective. He is a good boy. Many cars, कितनी cars हैं, many. तो many word is an adjective. There are many cars. Few boys, कितने लड़के हैं, कितने boys हैं, few. So few word is an adjective. Big car, car big है. So big word is an adjective. It is a big car. Brave boy, brave word is an adjective जो बता रहा है कि लड़का कैसा है, brave है. He is a brave boy. चलिए हम types करते हैं adjective के. There are 8 types of adjective. Adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, demonstrative adjective, interrogative adjective, distributive adjective, proper adjective, last one is possessive adjective. चलिए हम एक एक करके समझते हैं. First one is adjective of quality, जिसे हम हिंदी में गुणवाचक विशेषण भी कहते हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है, ऑफ व्हाट काइंड, मींस किस तरह का. द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन. मैक्सिमम एडजेक्टिव्स हमें नाउन और प्रोनाउन्स के बारे में बताते हैं. इसके जितने भी टाइप्स हैं वो आपको नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सब बताते हैं. तो किस तरह का है, ऑफ व्हाट काइंड. तो आपने क्वालिटी को इस वर्ड से याद रखना है, ऑफ व्हाट काइंड, किस तरह का है. फॉर एग्जाम्पल, गुड, बैड, ब्लैक, हंग्री, एक्सेट्रा. चलिए हम सेंटेंसेस में समझते हैं. ही इज अ क्लेवर बॉय. तो लड़का कैसा है, क्लेवर है. सो क्लेवर वर्ड इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. आई सॉ अ हंग्री डॉग. डॉग क्या है, हंग्री है. सो हंग्री वर्ड जो है वो डॉग की क्वालिटी बता रहा है. This is a heavy box. Box कैसा है, heavy है. So heavy quality बता रहा है box की. Box एक noun है, heavy adjective of quality है.
सारा इज ए स्मार्ट गर्ल. सारा कैसी गर्ल है? स्मार्ट है. सो स्मार्ट इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसे हम परिमाणवाचक विशेषण भी कहते हैं. सो व्हाट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी? क्वांटिटी से आपको पता लगता है हाउ मच, कितना. द वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वांटिटी, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी जो होती है, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट. नाउन्स और प्रोनाउंस की, जैसा कि मैंने बताया था कि एडजेक्टिव्स की जो टाइप्स हैं वो हमेशा नाउन्स और प्रोनाउंस के बारे में ही बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सम, लिटिल, ऑल, होल, डबल, फ्यू, हाफ, एनी, एक्सेट्रा. ये अप्रोक्सीमेट क्वांटिटीज हैं. तो इनको हम किस तरह से यूज करेंगे, चलिए हम सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं. आई डोंट हैव मच टाइम. सो क्वांटिटी बता रहा है वर्ड मच. सो मच वर्ड इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. आई हैव लिटिल फेथ इन गॉड. सो लिटिल वर्ड is an adjective of quantity. He has taken half cup of milk. So half word is an adjective of quantity. He had lost all his wealth. So all word is an adjective of quantity. Third one is adjective ऑफ नंबर, जिसे हम संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं. व्हाट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर? हाउ मेनी. नंबर से पता लगता है हाउ मेनी, कितने. द वर्ड विच एक्सप्रेसेस द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस, इनका एग्जैक्ट नंबर बता रहा है. एंड देयर पोजिशन और प्लेस इन ए सर्टेन ऑर्डर is called adjective of number. For example, one, जिसे हम first भी बोल सकते हैं, two, जिसे हम second भी बोल सकते हैं, three, जिसे हम third भी बोल सकते हैं, so on, like four, fourth, or each, no, several, all, some, etc. ये भी adjective of number है. ये each, no, several, all, some जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी यूज होती हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है. डिफरेंस है इनके पोजीशन के अकॉर्डिंग, इनके प्लेस के अकॉर्डिंग. तो वो हम आगे समझेंगे. चलिए हम एग्जांपल्स में समझते हैं. अ वीक हैज सेवन डेज. तो इस वर्ड में डेज सेवन है, एग्जैक्ट नंबर है. सो सेवन इज ए एडजेक्टिव ऑफ नंबर. देयर आर नाइन पर्सन्स इन ए ग्रुप. सो नाइन इज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एवरी पुअर नीड्स जॉब. सो एवरी इज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर. देयर आर नो स्टोरीज इन दिस बुक. So no word is an adjective of number. So what is the difference between adjective of quantity and adjective of number? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे examples हैं जैसे some, few, many जो दोनों में use होते हैं, लेकिन इनका difference क्या है? The difference between adjective of number and adjective of quantity is that indefinite numeral adjectives, right? जो indefinite क्यों बोला गया है, जो जिनका exact amount नहीं है, like some, few, many, ये adjective of number है, are used with
countable nouns. ये countable nouns, वो nouns जिनको हम count कर सकते हैं, उनके साथ use किया जाता है. लेकिन जो adjectives of quantity है, like some, few, many, वही same words जो हम quantity में, adjectives of quantity में use करते हैं, वो यूज होते हैं अनकाउंटेबल नाउंस के साथ. वो नाउंस जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, अनकाउंटेबल नाउंस के साथ. चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं. आई ड्रैंक सम वाटर. अब इसमें हमने सम वर्ड का यूज किया है और सम वाटर से पहले है. वाटर क्या है? एक नाउन है. लेकिन वाटर को हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अब हमने नाउन चेक करना है. उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगेगा कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. तो वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए सम वर्ड जो है वो एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है. अगर यही वर्ड सम हम पीपल जो नाउन है उसके साथ यूज करते हैं, तो ये बन जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि पीपल को हम काउंट कर सकते हैं, ये एक काउंटेबल नाउन है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर. फोर्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में संकेत वाचक सर्वनाम भी कहते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स विच, कौन सा. वर्ड्स दैट आर यूज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, जो पॉइंट आउट करते हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को और किसी स्पेसिफिक थिंग को, उसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, दिस, दैट, दीज, दोज, लेटर, फॉर्मर, सच, एक्सेट्रा, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो पॉइंट आउट कर रहे हैं. I hate such things. तो such word जो है एक demonstrative adjective है. The former presentation of lecture was good. So former word is a demonstrative adjective. Later option will cost us a lot. So the word later is a demonstrative adjective. Fifth one is interrogative adjective, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक विशेषण भी कहते हैं. Interrogative adjective क्या है? Means ask questions. तो इसको हमने इसे याद रखना है. Words that are used with nouns to ask questions are called interrogative adjective. वो वर्ड्स जो नाउन के साथ यूज होते हैं लेकिन क्वेश्चंस पूछते हैं, उनको हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं. चलिए हम सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं. व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही. सो यहाँ पे व्हाट वर्ड इज एन एडजेक्टिव. हुज बुक्स आर देयर, तो हुज इज एन एडजेक्टिव. नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में वितरणवाचक विशेषण भी कहते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, अ वर्ड यूज्ड टू रेफर टू ईच एंड एवरी पर्सन और थिंग इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. वो वर्ड जो रेफर करता है ईच एंड एवरी पर्सन को, ईच एंड एवरी थिंग को, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ईच, एवरी, नीदर, ईदर, एनी, वन, बोथ, एक्सेट्रा. चलिए हम प्रॉपर एडजेक्टिव करते हैं, जिसे हम
हिंदी में व्यक्तिवाचक विशेषण भी कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव ओरिजिनेट फ्रॉम प्रॉपर नाउन। अब आपको याद होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक नेम जो आइडेंटिटी होती है किसी पर्सन की, किसी थिंग की और किसी प्लेस की, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं और ये ओरिजिनेट प्रॉपर नाउन से हुए हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव ओरिजिनेट फ्रॉम प्रॉपर नाउन एंड लाइक प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से ओरिजिनेट हुए हैं और ये किसी भी सेंटेंस में अगर यूज किए जाते हैं तो इनका फर्स्ट लेटर जो होता है वर्ड का वो कैपिटल होता है। फॉर एग्जाम्पल इटालियन, अब इटालियन जो है वो एक प्रॉपर नाउन से ओरिजिनेट हुआ है, मीन्स इटली से ओरिजिनेट हुआ है, सो हम इसे प्रॉपर एज ए प्रॉपर एडजेक्टिव बोलेंगे इटालियन। रशियन, रशिया से ओरिजिनेट हुआ है। इंडियन, इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है। चलिए हम सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। शी इज एन इंडियन पर्सन, सो इंडियन इज ए प्रॉपर एडजेक्टिव। चाइनीज नूडल्स आर इन किचन, सो चाइनीज इज ए प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन इज पोजेसिव एडजेक्टिव, जिसे हम अधिकारवाचक विशेषण भी कहते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव मीन्स ऑनरशिप। पोजेसिव एडजेक्टिव्स शोज समथिंग बिलोंग टू समबडी, कुछ बिलोंग करती है समबडी को, उसको हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई, योर, इट्स, देयर, हिज, हर, एक्सेट्रा। चलिए हम सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। माई बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे माई वर्ड एक एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। आई थिंक यू फॉरगेट योर पर्स, सो यहाँ पे योर वर्ड एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। हिज ब्रदर इज वेरी हैंडसम, तो हिज वर्ड इज ए पोजेसिव एडजेक्टिव। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज द टाइप ऑफ एडजेक्टिव। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज इन अ नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।